चैप्टर 8 जिसका क्या नेम है, जिसका नेम है क्रिया। क्या नेम है जिसका? क्रिया। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, जाना, पढ़ना, लिखना आदि, ये क्या है? क्रिया है। क्रिया विकारी शब्द है। इसके रूप, लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार क्या होते रहते हैं? बदलते रहते हैं। क्रिया के मूल रूप धातु कहे जाते हैं। क्रिया का ज्ञान मूल धातु में ना जोड़कर कराया जाता है। जैसे देखना, खा प्लस ना खाना, कर प्लस ना करना। ओके, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं? कितने भेद पढ़े थे हमने? कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद पढ़े थे। कितने पढ़े थे? दो भेद पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे? पहला सकर्मक और दूसरा अकर्मक। क्रम के आधार पर क्रिया के कितने भेद पढ़े हमने? दो भेद पढ़े। पहला सकर्मक और दूसरा अकर्मक। सकर्मक क्रिया के बारे में हमने क्या पढ़ा था? सकर्मक क्रिया के बारे में हमने पढ़ा था वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया का फल। जब कर्ता के अतिरिक्त कर्म पर पड़े तो सकर्मक क्रिया है। किस पे पड़े? कर्ता के अतिरिक्त कर्म पे पड़े तो सकर्मक क्रिया है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, सीता फूल तोड़ती है, यहाँ पढ़ना क्रिया का फल पुस्तक कर्म पे पड़ रहा है। किस पे पड़ रहा है? कर्म पे पड़ रहा है। तथा तोड़ना क्रिया का फल फूल पर पड़ रहा है। अतः ये क्रिया क्या है? सकर्मक क्रिया है। और दूसरा प्रकार कौन सा है? अकर्मक क्रिया। जब क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है तो वहाँ कर्मक क्रिया होती है। राम हंसता है, सीता रोती है, यहाँ हंसना और रोना क्रियाओं का फल उनके कर्ताओं राम और सीता पर पड़ रहा है, इसलिए यहाँ कर्मक क्रिया है। व्युत्पत्ति के अनुसार क्रिया के भेद अब हम क्या देखते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं? कितने होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला मूल क्रिया, मूल क्रिया, और दूसरा भाग कौन सा होता है? यौगिक क्रिया। कौन सा होता है? यौगिक क्रिया। मूल क्रिया और यौगिक क्रिया। अब हम देखते हैं पहले मूल क्रिया के बारे में। मूल क्रिया वे धातु है जो किसी दूसरे शब्द से न बने हो। जैसे खाना, खाना करना, खाना करना, चलना, बैठना आदि। यौगिक क्रिया जो क्रिया या धातु किन्हीं अन्य शब्दों के योग से बनती है उन्हें यौगिक क्रिया कहते हैं। जैसे चलना से चलाना, खाना से खिलाना, पढ़ना और रहा से पढ़ता रहा, जा रहा और गिरा से जा गिरा आदि, ये क्या है? यौगिक क्रिया। अब हम देखते हैं यौगिक क्रियाओं के भेद। यौगिक क्रिया के भेद, पहला भेद कौन सा है यौगिक क्रिया का? संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया
जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया में एक मुख्य तथा एक गौण क्रिया का योग रहता है। जैसे उसकी बात सुन लो, काम करते जाओ, यहाँ सुनो और लो क्रिया में भेद, मेल से सुन लो क्रिया बनी है, करते और जाओ क्रिया के मेल से करते जाओ क्रिया बनी है। अतः ये क्या है? संयुक्त क्रियाएं है। अगला प्रकार कौन सा है योग्य क्रिया का? नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया जो क्रियाएं संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बनती है नाम धातु क्रियाएं कहलाती है। जैसे गरम से गरमाना, शरम से शरमाना, लाज से लजाना, लाठी से लठियाना आदि। उदाहरण, राम शर्माता है, सीता बहुत बतियाती है, धूप में बैठकर बदन गरमा लो आदि। अब हम देखते हैं नाम धातु क्रियाओं के कुछ उदाहरण। जैसे गरम से क्या होता है? गरमाना। थर थर से थरथराना, मोटा से मोटाना, लाज से लजाना, ये क्या है? नाम धातु क्रिया के उदाहरण है। इनके बारे में हमने पहले भी अच्छे से पढ़ा था, आज हम इसको रिवाइज कर रहे हैं, इसका रिवीजन कर रहे हैं। अब हम देखते हैं तीसरा प्रकार कौन सा पढ़ा था? तीसरा परिणार्थ क्रिया। परिणार्थ क्रिया, परिणार्थ क्रिया के बारे में हमने क्या पढ़ा था? जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से करवाए तब वह क्रिया परिणार्थ क्रिया कहलाती है। जैसे लिखवाना, लिखे वाना परिणार्थ क्रिया क्या? जैसे लिखवाना, पढ़वाना। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से करवाए तब वह क्रिया परिणार्थ क्रिया है। जैसे पढ़वाना, लिखवाना, बुलवाना, दिलवाना। ओके, जैसे उदाहरण, केशव ने मोहन से पत्र लिखवाया। परिणार्थ क्रियाओं के कुछ उदाहरण, जैसे लिखना, लिखवाना, जोड़ना, जुड़वाना, तोड़ना, तुड़वाना, कहना, कहलवाना, करना, करवाना। अगला कौन सा प्रकार है योग्य क्रियाओं का? पूर्वकालिक क्रिया। कौन सा है? पूर्वकालिक क्रिया। जब वाक्य में एक क्रिया समाप्त हो जाने के बाद दूसरी क्रिया होती है तब समाप्त होने वाली पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे खाकर, खेलकर, पढ़कर। उदाहरण, वह खाना खाकर सो गया, वह पढ़कर चला गया। क्रिया के विकारक तत्व है। अब हम क्या देखेंगे? क्रिया के विकारक के तत्व। क्रियाओं को जब वाक्यों में प्रयोग किया जाता है तो लिंग वचन पुरुषवाच्य प्रकार के प्रयोग के कारण उनमें क्या हो जाता है? अंतर आ जाता है। जैसे लिंग के आधार पर, लिंग के आधार पर, मैं पढ़ता हूँ, सीता जाती है, सीता जाती है। पुरुष के आधार पर, पुरुष के आधार पर, मैं पढ़ता हूँ, तुम पढ़ते हो, तुम्हें पढ़ते हो।
वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। वचन के आधार पर, वचन के आधार पर वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। वे पढ़ते हैं, वे पढ़ते हैं। वाच्य के आधार पर, वाच्य के आधार पर मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मुझसे पढ़ा जाता है, मुझसे पढ़ा जाता है। ऐसे ही काल के आधार पर, काल के आधार पर वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। वह पढ़ेगा, वह पढ़ेगा। उसने पढ़ा, उसने पढ़ा। ओके, ऐसे आपको प्रयोग के आधार पर और प्रकार के आधार पर भी क्या करने हैं, इनके अंतर को जानना है। ओके, अब हम पढ़ते हैं लिंग के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? लिंग के बारे में। वाक्य में कर्ता के लिंग के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। यदि कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी क्या होगी? पुल्लिंग के रूप में होगी। और स्त्रीलिंग होने पर क्रिया भी क्या होगी? स्त्रीलिंग के रूप में होगी। जैसे राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। सीता पढ़ती है, सीता पढ़ती है। इसी प्रकार पुरुष के आधार पर, वचन के आधार पर और क्रिया के प्रयोग के आधार पर हमने क्या पढ़े थे? क्रिया पढ़ी थी। तो आपको क्या करना है? इनको अच्छे से पढ़ना है और इनको अच्छे से रिवाइज करना है। ओके, क्रिया के बारे में हमने अच्छे से पहले भी पढ़ा था, आज हमने इसका रिवीजन किया। तो आपको क्या करना है? इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना और अच्छे से समझना है। ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू बच्चों।